Good morning, class. Today we will study about diseases caused by bacteria. There are five diseases which we are going to study: tuberculosis, cholera, typhoid, diarrhea, peptic ulcers. Let's study them one by one. First we are going to study is tuberculosis. It was first discovered by a German scientist, Robert Koch, in 1882. He was awarded Nobel Prize for this discovery in 1905. Tuberculosis is an infectious disease which is communicated from one person to another directly or indirectly. जो TB है ये एक infectious disease है, यानी person to person ये फैलता है. ठीक है, ये animal से भी फैलता है. For example, cattle. Tuberculosis को bacteria cause करता है, जिसका नाम है Mycobacterium tuberculosis. ये जो बैक्टीरिया है ये टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसका नाम है ट्यूबरक्यूलिन. टीबी बॉडी के सभी पार्ट्स को अफेक्ट कर सकता है, जैसे कि लंग्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स, बोन्स, इंटेस्टाइन एटसेट्रा. ह्यूमन लिंग्स में जो इन्फेक्शन है ट्यूबरक्लोसिस का, ये फैलता कैसे है? बाय इनहेलिंग इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स रिलीज थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, टॉकिंग, स्पिटिंग. स्पिटिंग का मतलब होता है थूकना. ठीक है, जो पेशेंट है अगर वो कफ कर रहा है, स्नीज कर रहा है, बात कर रहा है, थूक रहा है, तो उसके थ्रू टीबी फैलता है. जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है टीबी का, उसमें फ्यू वीक्स से लेके फ्यू इयर्स तक का टाइम हो सकता है. इंक्यूबेशन टाइम का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इस टाइम में इसके सिम्टम्स अपीयर होंगे. ठीक है ना, कितने समय में, तो वो फ्यू वीक्स से लेके कुछ साल हो सकते हैं. सिम्टम्स क्या है इसमें, जो पेशेंट है वो सिक एंड वीक महसूस करता है, उसको भूख नहीं लगती, उसका वेट लॉस होता है. टिपिकल फीवर पैटर्न एंड नाइट स्वेट्स कॉमन होते हैं. ठीक है, जो सिम्टम्स है इस डिजीज के, ये वेरी करते हैं, डिपेंड करता है किस पे, कि इन्फेक्शन का साइट क्या है, मतलब इन्फेक्शन हुआ कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंगली इसके जो सिम्टम होंगे वो डिफरेंट पेशेंट्स में वेरी करेंगे. तो दो स्पेसिफिक साइट्स हैं इसकी, ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन की. पहला है लंग और पल्मोनरी टीबी. जो पर्सन इस पल्मोनरी टीबी से सफर करता है उसको कंटिन्यूस फीवर रहता है, परसिस्टेंट कफ रहता है, ब्लड स्टेन स्पटम वो प्रोड्यूस करता है, वेट लॉस होता है, वीकनेस होती है, चेस्ट में पेन होता है, उसे ब्रेथलेसनेस होती है. ये कॉमन फीचर्स हैं जिनको लंग टीबी होता है. जब ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया लंग्स में जाता है तो वो लोकल इन्फ्लेमेशन सेट करता है और एब्सेस प्रोड्यूस करता है. ये हील हो जाता है और लीव करता है एक स्मॉल पैच, एक स्कार टिश्यू का, जो कि एक्सरेज में दिखाया जा सकता है इन द फोटोग्राफ्स. जो इसकी एडवांस स्टेजेस होती है ट्यूबरक्लोसिस की, वहां पे लंग्स के लार्ज एरियाज खत्म हो जाते हैं. नेक्स्ट इज लिम्फ ग्लैंड टीबी. इस टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं वो है स्वेलिंग, लिम्फ ग्लैंड्स की टेंडरनेस, ओफन इन दी लेग जहां पे डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज सिक्रीशन होगी थ्रू द स्किन. अब इस डिजीज से बचाव कैसे किया जाए? विग्रस जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स होते हैं वो बेस्ट मेथड है प्रिवेंशन के. जो दूसरे प्रिवेंटिव मेजर्स है उसके अंदर आएगा आइसोलेशन, मतलब अलग कर दिया जाए, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन किया जाए पेशेंट का, ओवरक्राउडिंग से अवॉइड किया जाए, प्रोविजन ऑफ गुड वेंटिलेशन, हवादार होनी चाहिए वो जगह जहां पर पेशेंट को रखा जाता है, बेटर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए ताकि इसके जो चांसेस है डिजीज के वो रिड्यूस हो जाए. इम्यूनाइजेशन भी ऑप्शन है इससे बचाव का, अगर बीसीजी का वैक्सीनेशन हुआ है. बीसीजी होता है बैसिलस कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीनेशन, जो कि ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है. बीसीजी का वैक्सीन के अंदर
वीक ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस होता है और इसको स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है ताकि 3 से 5 साल तक इम्यूनिटी मिले। कंट्रोल क्या है इसका? ट्यूबरक्लोसिस को क्योर किया जा सकता है 6 एसेंशियल ड्रग से। पहला है आरएमपी, जिसको रिफेम्पिसिन भी बोल सकते हैं, आईएनएच, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पायराजिनामाइड, एथेम्ब्यूटोल एंड थियोएसिटोजोन। टीबी को एटीटी थेरेपी के यूज से भी ठीक किया जा सकता है, विच इज एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। वी विल स्टडी अबाउट अदर डिजीजेस इन द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।